हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज़ के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है ऑनर्स कंपैरिजन ऑफ मी ए टू वर्सेस ऑनर प्ले। हालांकि ये ऑनर्स कंपैरिजन है क्यों और ऑनर्स कंपैरिजन हम क्यों कह रहे हैं इसे, पहले उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि आज के समय में मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता जा रहा है कि ओपिनियन वीडियोस कहीं ना कहीं इस तरह से भी बन रहे हैं जिसके अंदर डिवाइस की टेस्टिंग करे बिना कंपैरिजन कर दिया जा रहा है दो डिवाइसेस का, जो कि गलत बात है। मैं आपको अपनी तरफ से अपनी टेस्टिंग के हिसाब से जो चीजें हैं बता दे रहा हूं दोनों ही डिवाइसेस में। इस कंपैरिजन रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं जो कि मैं कंपेयर नहीं करूंगा, वो है बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज ये दोनों ही डिवाइस अच्छे हैं, दोनों ही यूनिबॉडी मेटल डिजाइन वाले फोन है, तो बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल बराबर है। तो इस कंपैरिजन के अंदर आप खुद डिसीजन लेंगे कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, और कमेंट में बताना जरूर कि कौन सा बेहतर है और क्यों, और उसका फैक्ट भी देना, क्योंकि फैक्ट्स बेस्ड कंपैरिजन अगर आप दोगे उसके हिसाब से बताओगे तो डेफिनेटली उस चीज को हर कोई डाइजेस्ट कर सकता है, समझ सकता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ऑनर प्ले की। तो ऑनर प्ले आता है 20,000 रुपए का, मी ए टू आता है तकरीबन 17,000 रुपए का। दोनों में ही आपको 64GB की स्टोरेज, 4GB की रैम मिल जाती है। सबसे पहली बात प्रोसेसर कितने नैनोमीटर का है, कौन से फ़ोन में, इससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे आता है आपका स्नैपड्रैगन 660 मी ए टू में, जो कि एक 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, जबकि यहाँ पे क्रिन 970 एक टॉप नॉच प्रोसेसर है ऑनर की तरफ से, और ये 10 नैनोमीटर का है। तो 10 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर यानी कि उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो पास है, उनमें रेजिस्टेंस कम है, उसमें हीटिंग जो है उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और ओवरऑल एफिशिएंसी वाइज एक 10 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर डेफिनेटली ज़्यादा परफॉर्म करेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन खैर फिलहाल बाकी और चीज़ों पे बात करते हैं, ये तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाइज थ्योरेटिकल बात हो गई। मैं यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स देता हूँ जो अमित ने और बाकी जो G2 टीम है उन सब लोगों ने मिलकर टेस्टिंग की है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले यहाँ पे 6.3 इंच का ऑनर प्ले में मिल जाता है, डिस्प्ले वाइज बड़ा डिस्प्ले और साथ ही साथ नॉच वाला डिस्प्ले है। तो यहाँ पे 6 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है और यहाँ पे 6.3 इंच का, और ये सिर्फ फर्क इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे नॉच है, तो थोड़ा सा जो एरिया साइड नॉच के इधर राइट और लेफ्ट मिल जाता है उसकी वजह से वो उतना हो जाता है। लेकिन कलर्स की बात करें, डिस्प्ले की क्लैरिटी की बात करें, डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें, तो नो डाउट यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस को देखते हुए। आउटडोर में यूज़ करिए, इंडोर में यूज़ करिए, शॉर्ट्स देख लीजिए हमारे, उसमें आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ये डिस्प्ले है वो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर्स के हिसाब से, और आउटडोर में भी डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले बढ़िया है। तो डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली मेरी तरफ से तो पॉइंट्स ये स्कोर करता है, लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है डिस्प्ले के साथ। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो गेमिंग में सीधी सीधी बात यह है कि जब हम पबजी वगैरह खेल रहे हैं तो पबजी में हाई ग्राफिक सेटिंग्स में इस डिवाइस के अंदर बेसिकली नहीं चल पा रहा है, और उतना स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मी ए टू में नहीं आ रहा है, जबकि ऑनर प्ले में जिसके अंदर ये बोलते हैं GPU टर्बो मोड दिया गया है, उसकी वजह से या और कोई वजह से ग्राफिक्स वगैरह जो है बहुत अच्छे से हैंडल हो रहे हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ आ रही है, ग्राफिक्स भी शार्प आ रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ पे ये गेमिंग में बेहतर है, ये तो आप विजुअली देख सकते हैं। लेकिन स्टैट्स फिगर्स की बात कर लेते हैं, स्टैट्स और फिगर्स में भी यहां पे ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। हमने दोनों ही डिवाइसेस पे वैसे तो गेमिंग टेस्ट अलग अलग तरह के देखा है, एस्पल 9 काफी देर तक खेला, पबजी काफी देर तक खेला, लेकिन 5 मिनट की टेस्टिंग जब हमने करी इंडिपेंडेंटली दोनों डिवाइस पे एक एक करके, तो यहाँ पे ऑनर प्ले के अंदर 35 डिग्री से टेम्परेचर राइज हो गया 48 डिग्री तक, यानी कि डेफिनेटली गेमिंग में ये डिवाइस आपको ज्यादा हॉट महसूस होगा, जबकि 5 मिनट की सेम गेमिंग इस फोन पे करी तो ये टेम्परेचर राइज हुआ 36 डिग्री से 43 डिग्री, तो डेफिनेटली टेम्परेचर के मामले में थोड़ा बहुत ये ज़्यादा हीटअप होता है। लेकिन बैटरी ड्रॉप में अगर आप देखेंगे तो बैटरी ड्रॉप 5% का आया यहाँ पे मी ए टू में, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2% का बैटरी ड्रॉप आया। एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, क्या फंडा है इसका? इसका फंडा यहाँ पे ग्राफिक्स रिलेटेड नहीं है, दोनों में ही अच्छे ग्राफिक्स हैं, मैं कह सकता हूँ ऑनर प्ले में थोड़े बेहतर ग्राफिक्स हैं और उसको ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिले, और गेमिंग वाइज मेरे हिसाब से ऑनर प्ले बेहतर आ रहा है। बाकी आप लोग नीचे लिखिए कि गेमिंग वाइज आपको कौन सा फोन अच्छा लग रहा है दोनों में। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। भाई कैमरा में बहुत ही क्लोज फाइट है मेरे हिसाब से। यहाँ पे हमने दोनों ही डिवाइसेस के कैमरा को कंपेयर किया, खास से अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो कुछ इस तरह की फोटो अगर मैं लेता हूँ जिसमें मैं पोर्ट्रेट मोड यूज नहीं करता हूँ, और इस सेल्फी फोटो में मैं देख सकता हूँ सिंपली
कि यहाँ पे कलर्स जो हैं वो बेहतर दिख रहे हैं हमेशा Mi A2 में, नेचुरल कलर्स मिलेंगे। अगर हम बात करें सेल्फी की यहाँ पे ऑनर प्ले में, तो ऑनर प्ले में डिटेल्स अच्छी मिल रही हैं। अगर इसी सेल्फी को हम लें पोर्ट्रेट मोड में, तो पोर्ट्रेट मोड में भी डिटेल्स अच्छे दिख रहे हैं ऑनर प्ले में। फेस की डिटेल्स अगर हम जूम इन करें तो आप देख सकते हैं कि फेस जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर है ऑनर प्ले की फोटो में, फ्रंट कैमरा सेल्फी में। लेकिन कलर्स की बात करें, फेस के कलर की बात करें, तो डेफिनेटली फेस का कलर नेचुरल है Mi A2 के सेल्फी फोटो में। अगर हम बात करें रियर कैमरा फोटोज की, तो रियर कैमरा फोटोज में यहाँ पे मेट्रो के जो ये पुल है जिसपे मेट्रो जाती है, इसका फोटो लिया गया है। और इसमें अगर आप AI मोड अनेबल कर देंगे ऑनर प्ले में, तो भाई ऐसी शानदार फोटो मिलेगी आपको, जो कि बहुत ही अच्छी दिखेगी डिस्प्ले पे। जबकि कलर्स की नेचुरल बात करूं, नेचुरल कलर्स के मामले में Mi A2 के अंदर ये फोटो बेहतर है। डिटेल वाइज दोनों ही फोटोज में अच्छी डिटेल्स दिख रही हैं, दोनों ही फोटो क्लियर हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि फोटो की क्लैरिटी के मामले में दोनों ही डिवाइसेस अच्छे हैं। लेकिन इस लॉक की अगर मैं बात करूं जिसपे एयरटेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 8 लीवर्स हैं। अगर आप कलर्स की बात करेंगे, तो जो रस्टेड कलर होता है, बेसिकली जब रस्ट लग जाता है आयरन पे, तो जो कलर है वो नेचुरल यहाँ पे Mi A2 की फोटो में दिख रहा है। जबकि यहाँ पे ये लॉक पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, जो कि अगर आप नॉर्मल आइज से देखेंगे तो ऐसा नहीं है भाई। ओवरऑल फोटोज दोनों पे ही अच्छी आ रही हैं, रियर कैमरा में भी और फ्रंट कैमरा में भी। मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि दोनों में से कैमरा अच्छा कौन सा है, दोनों ही कैमरा अच्छे हैं। बाकी आप लोग बताओ कि दोनों में से बेहतर कैमरा आपको कौन सा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज की, जो कि आपको नहीं पता है, और ये शायद आपको और रिव्यूअर्स भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये है स्टोरेज के बारे में। एक्चुअली स्टोरेज का एक फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम बेसिकली वो होता है जैसे हमारा विंडोज के अंदर फैट होता था, फैट 32 होता था, फिर NTFS आ गया। तो ये सब फाइल सिस्टम समय के साथ जो है इम्प्रूव होते हैं, जिससे आपको फास्टर रीड एंड राइट स्पीड मिले। इसी वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस और बेहतर मिल रही है आपको यहाँ पे ऑनर प्ले में, क्योंकि ऑनर प्ले में जो फाइल सिस्टम है वो सैमसंग का बनाया हुआ है। वैसे तो इसका नाम है F2FS, ये फ्लैश स्टोरेज का फाइल सिस्टम है, बहुत ऑप्टिमाइज है, बेहतर रीड एंड राइट स्पीड मिलती है। जबकि ज्यादातर फोन्स में आपको EXT4 वाला फाइल सिस्टम मिलता है, यही EXT4 वाला फाइल सिस्टम आपका Mi A2 में है। तो यहाँ पे ये चीज ऑनर ने बढ़िया की है। दूसरी चीज जो कि अच्छी है वो ये है कि दोनों ही फोन में DDR4 रैम है। दोनों में LPDDR ही है, बेसिकली लो पावर रैम ही लगती है दोनों फोन्स में, क्योंकि ये मोबाइल फोन की रैम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे DDR4X है ऑनर प्ले में, जबकि DDR4 है आपकी A2 में और DDR4X है आपकी ऑनर प्ले में। तो 4X का मतलब ये है कि ये लो वोल्टेज पे काम करती है, उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करती है, जिसकी वजह से आपका फोन जो है और स्टेबल रहता है और कहीं ना कहीं उसका बैटरी ड्रॉप कम होता है। ओवरऑल देखा जाए तो फाइल सिस्टम F2FS और DDR4X रैम होने की वजह से कहीं ना कहीं ऑनर प्ले को गेमिंग में एक्स्ट्रा एज मिल रहा है, और यही चीज कहीं ना कहीं ऑनर प्ले को गेमिंग में बेहतर बना देती है। कैमरा वाइज आई वुड से दोनों ही फोन अच्छे हैं। कहीं कहीं पे मुझे Mi A2 ज्यादा अच्छा लगता है, कहीं कहीं पे ऑनर प्ले ज्यादा अच्छा लगता है। अब आप लोग बताइए इन चार चीजों के बेसिस पे जो मैं आपको बता रहा हूं, पहला डिस्प्ले, दूसरा गेमिंग, तीसरा कैमरा और चौथा बिल्ड क्वालिटी, इन चार चीजों के बेसिस पे कौन सा डिवाइस कैसा है, दोनों में से कौन सा आपके हिसाब से विन करता है, आप लोगों की राय मैं जरूर जानना चाहता हूं, क्योंकि ये कंपैरिजन आप लोगों के हिसाब से है। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर बताइए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये ऑनेस्ट कंपैरिजन सब लोगों तक पहुंचे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।